एलिया जो है जब अलग किया गया वो तभी उसका शरीर, उसकी सोच और वो सब कुछ जो था वो बदल गया। जब इन दो भविष्यवक्ताओं को बुलाया गया तो इनका जो शरीर था वो बदल गया। जब यूहन्ना को बुलाया गया तो उसका शरीर जो था वो बदल। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताएं से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के बारे में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 4थे खंड में हैं, परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 11 पद तक के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 12 पद से लेकर 14 पद तक के विषय में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम पढ़ लेते हैं पहले। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, उस नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। यहां पर जो है हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है अब क्या बात कर रहा है। स्वर्ग से बड़ा शब्द जो है सुनाई दिया, यहां ऊपर आ। किनको सुनाई दिया? जो दो भविष्यवक्ता थे उनको जो है ये सुनाई दिया। स्वर्ग की बात सुनकर जो है, स्वर्ग में जाने की बात सुनकर, स्वर्ग में रहने की बात सुनकर जीवन जो है बड़ा आनंद से भर जाता है। बहुत आनंद जो है वो एक ऐसा आनंद जो है वो हमारे अंदर आ जाता है जो वर्णन से बाहर है। तब यीशु मसीह की आवाज जो है वो कानों में गूंजने लगती है। जब हम स्वर्ग में जाने की बात करते हैं, जब हम स्वर्ग में रहने की बात करते हैं, तो यीशु मसीह की जो आवाज है उस आनंद के साथ वो गूंजने लगती है। अब वो आवाज क्या है यीशु मसीह की, इसको समझना है। क्या आवाज है? जब हम यूहन्ना की इंजील 14:1-3 तक पढ़ेंगे, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के इन वचनों को पढ़ते हैं जो हमारे कानों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग जाने की बात हो रही है, एक ऐसी जगह, एक ऐसे स्थान में जाने की बात हो रही है जहां शांति का वातावरण है, जहां किसी भी प्रकार की कोई बुराई या कोई कलेश या कोई भी गलत बातें जो हैं वो ना तो देखने को मिलेंगी और ना सुनने को मिलेंगी। वहां शांति जो है वो वहां पर होगी। और यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, कि मैं आऊं तुम्हें लेने के लिए कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। तुम अलग क्यों रहोगे? मगर सवाल ये उठता है कि कौन उसके साथ जाएगा। अब ये ध्यान देने की बात है, जब आप पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ेंगे, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखिए, स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर के यहां, परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें पवित्र बनने की जरूरत है। जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और पवित्र बनने के लिए जो है वह हमारा चरित्र जो है वह पवित्र होना चाहिए, हमारी सोच पवित्र होनी चाहिए और ये सारी चीजें जो है पवित्र होना चाहिए। क्योंकि वो जो दो भविष्यवक्ता है जो स्वर्ग पर ऊपर बुला लिए गए, स्वर्ग में ऊपर आने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया कि यहां ऊपर आ जाओ, वो पवित्र लोग थे। परमेश्वर की सामर्थ उनके साथ थी, परमेश्वर उनके साथ था। अपने वचन के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति उनमें और वो परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई देते थे। ये बड़े समझने की बात है। आप ध्यान करिएगा, दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 11वें पद में क्या लिखा हुआ है, एलिया के बारे में बात हो रही है यहां पर। अब वे चलते चलते रथ और अग्निमय घोड़े ने उनको अलग अलग किया और एलिया बमंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया।
देखिए वो स्वर्ग पर उसको लेने के लिए क्या आया, उसको लेने के लिए अग्नि में रथ आया और एलिया और एलिशा को दोनों को अलग किया और एलिया को उस रथ में बैठाकर जो है वो घोड़े समेत वो रथ जो है स्वर्ग में चला गया एलिया को लेकर। क्यों? क्योंकि एलिया जो था वो पवित्र इंसान था, उसके वो पवित्रता से भरा हुआ था। और यहां पर जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा, जो प्रकाशित वाक्य लिख रहा है और वो उन दो गवाहों का, उन दो भविष्यवक्ताओं का वर्णन कर रहा है कि उनको स्वर्ग में बुलाया गया है। जरा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं जिसने ये प्रकाशित वाक्य लिखा है, अर्थात यूहन्ना जो है। प्रकाशित वाक्य 4:1, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुर्री के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अब देखिए यूहन्ना जो है कहां पर है, पसमोस टापू पर है, उसको सजा के दौरान उसको वहां पर रखा गया है। अब वहां पर वो दर्शन देखता है, वो स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा है, उसमें एक द्वार को देख रहा है जो खुला हुआ है और वहां से उसे पुकारा जा रहा कि यहां ऊपर आ जाए। भाई भाई बात है, किन की तरह, इन दो भविष्यवक्ताओं की तरह उसको यूहन्ना को भी बुलाया जा रहा है यहां ऊपर आ जाए, परंतु यूहन्ना को अलग काम के लिए बुलाया जा रहा है, इनको तो स्वर्ग में रहने के लिए बुलाया गया है इन दो भविष्यवक्ताओं को, परंतु यूहन्ना को इसलिए बुलाया गया स्वर्ग के अंदर। अब देखिए वो गया है स्वर्ग के अंदर, कितनी बड़ी बात है, वो कितना आनंद उसे मिला होगा कि वो स्वर्ग में जा रहा है, और वो वहां पर जो है उसको दिखाया गया ये आने वाले समय में जो है ये बातें जो है वो कैसे पूरी होंगी और किस तरीके से होंगी वो यूहन्ना को दिखाया गया। क्या अब सवाल ये उठता है, क्या स्वर्ग में हम इस शरीर समेत जाएंगे? एलिया जो था वो शरीर समेत गया था, ये जो दो भविष्यवक्ता थे क्या शरीर समेत गए थे, ये यूहन्ना जिसको बुलाया गया, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, क्या शरीर समेत गए थे? बड़ा ध्यान देने की बात है, बहुत समझने की बात है। पहला कुरंतियों 15 उसके 52 को में जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, यहां लिखा पौलुस कहता है कि हम बदल जाएंगे। जैसे स्वर्ग में जाने की बात होती है, आप स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो सोच है, वो सब बदल जाती है। जी हां, एलिया जो है जब अलग किया गया वो तभी उसका शरीर, उसकी सोच और वो सब कुछ जो था वो बदल गया। जब इन दो भविष्यवक्ताओं को बुलाया गया तो इनका जो शरीर था वो बदल गया, जब यूहन्ना को बुलाया गया तो उसका शरीर जो था वो बदल गया। कैसा हो गया, किसके समान हो गया? बहुत, अगर आप सच में स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो इस बात से आनंदित होइए कि आप बदलने जा रहे हैं। प्रभु आपको, आपके शरीर को, आपके सोच को, आपके विचारों को बदलने जा रहा है, परंतु उन्हीं के सोच और विचारों को बदलेगा जो इस पृथ्वी पर पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। यह ध्यान रखिएगा, हर एक को नहीं बदलेगा जो पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। यहां मत्ती 22 उसके 30 में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में हम परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। किसके समान होंगे? स्वर्ग में हम जो है दूतों के समान, जैसे स्वर्गदूतों का शरीर है, उस शरीर में परिवर्तित हमारा शरीर हो जाएगा, उनके समान होंगे। ये शरीर में नहीं होगा, मांस और लहू में नहीं होगा। जी हां, परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और कैसे जाएंगे, दो गवाह जो थे कैसे गए? बड़ा ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बादलों पर सवार होकर गए, कि ये सुनकर वे बादलों पर सवार होकर जो है वो गए हैं, 12 में लिखा हुआ है, और अपने दुश्मनों के देखते देखते वो उठा लिए गए, बादलों पर सवार होकर। अब बड़ा ध्यान करिएगा, स्वर्ग पर वो जो थे ये चढ़ गए दोनों भविष्यवक्ता जो है, हम लोग कैसे जाएंगे? ये तो बादलों पर सवार होकर चले गए जब परमेश्वर ने बुलाया, बादल आया। देखिए एलिया कैसे गया, उसके लिए अग्निमय रथ आया, ये कैसे गए, इनके लिए एक विशेष
बादल आए और वो उस पर जो थे चढ़कर जो थे स्वर्ग चले गए। हम लोग कैसे जाएंगे? पहला थसलुनीकियों 4 अध्याय उसका 7वां पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जी हाँ, हम भी कहाँ जाएंगे? हमारे पास भी बादल आएंगे और वो हमें प्रभु के पास उठा कर ले जाएंगे। एक बड़ा अद्भुत नजारा होगा। आप देखिए, आप बादल को पकड़िए, आप बादल को पकड़ नहीं पाएंगे, आप बादल को मुट्ठी में नहीं ले पाएंगे, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि बादलों पर उठा लिए जाएंगे। बादल हमें उठाकर जो है प्रभु के पास जो है वो ले जाएगा। कितनी अद्भुत और अनहोनी बात है। और यहां जो है दुश्मन जो है उन दो गवाहों को जाते हुए देखते हैं। हमें भी जो है उस समय लोग जो है वो देखेंगे, जो यहाँ पृथ्वी पर रह जाएंगे, जो हमसे बुराई रखने वाले, हमसे बैर रखने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, सब हमें बादलों पर उठते हुए और प्रभु के पास जाते हुए देखेंगे, जैसे इन दो गवाहों को जो है वो देखा है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 11:13 में, उसी घड़ी जो है एक बड़ा भूकंप हुआ, जैसे वो उठाए गए बादलों पर और वो ऊपर पहुंचे भी नहीं होंगे कि एक बड़ा भूकंप हुआ और उस नगर का 10वां भाग जो था वो गिर गया, और उससे 7,000 जो है वो मनुष्य मर गए, और शेष जो थे वो डर गए, और डर के मारे क्या करने लगे? परमेश्वर की महिमा करने लगे। देखिए, एक चीज मैं यहां पर बताना चाहूं, यदि आप डर के मारे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो फिर वो परमेश्वर की महिमा नहीं है। अभी आपने देखा ना 2020 में जो कोविड आया था, डर के मारे लोग परमेश्वर का भजन गाने लगे, छतों पर गाने लगे, और क्या कहते हैं, अपनी गैलरी में आकर जो है परमेश्वर का भवन भजन जो है वो गाने लगे। क्यों? क्योंकि ये कोरोना जो है वो हम पर ना आ जाए, ये कोविड हम पर या हमारे परिवार पर जो है इसका प्रकोप ना पड़े, उससे बचने के लिए डर के मारे। भाई, परमेश्वर से डर कर आप जो है वो आराधना करें ना। आप किसी बीमारी से, किसी चीज से डर कर अगर आप उसकी आराधना कर रहे हैं तो वो आराधना जो है वो नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप डर के मारे कर रहे हैं। और उसी घड़ी जो है वो भूकंप जो है वो उठा लिए गए, जब वो दो गवाह जो थे वो उठाए गए हैं, इससे भी बड़ा जो है भूकंप आने वाला है। अब उसका तो उस नगर का जो है वो 10वां भाग जो है वो गिर पड़ा उस भूकंप से, और 7,000 लोग मर गए, परंतु एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। और वो कौन सा है? जब आप जो है प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 18-20 तक पढ़ेंगे। चलिए मैं पढ़ देता हूं आपके लिए ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्यों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए, और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ कि वे अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए, और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना चला। अब देखिए, यहां परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया। अब यहां पर बहुत बड़ा भूकंप आया और उस नगर के 3 टुकड़े हो गए। इतना भयंकर, इतना बड़ा भूकंप, और कह रहे हैं कि इतना भयंकर, इतना बड़ा भूकंप था कि जब से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है इस पृथ्वी के ऊपर तब से ऐसा बड़ा भूकंप नहीं आया। अब नगर की बात है, आप यहां जरा ध्यान दीजिए, आप यरूशलम को मत समझ लीजिए। यहां पर शब्द आया बेबीलोन। अब बेबीलोन जो है, अब ये बेबीलोन इराक वाला बेबीलोन नहीं है, बल्कि ये बेबीलोन जो है किसको कहा गया है? ये बेबीलोन जो है ये रोम को कहा गया है, इटली को कहा गया है, बेबीलोन कहा गया है। इसको समझेंगे आगे वाले समय में, आने वाले समय में इन भेदों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये उनको बेबीलोन कहा गया, बहुत से लोग जो हैं उन चीजों को बेबीलोन समझ लेते हैं, इसलिए ये ना समझे कि इतना बड़ा भूकंप जो आया ये आत्मिक रीति से जो है वो इटली शहर है, और इस भूकंप से कोई भी टापू जो है वो नहीं बचा। ये एक ऐसी बड़ी भयंकर विपत्ति थी, इटली शहर जो है वो 3 टुकड़ों में हो गया, और एक बहुत बड़ा भूकंप आया और 7,000 लोग जो थे वो मर गए, और बहुत से लोग भयभीत हो गए जो बच गए, और वो डर के मारे परमेश्वर की महिमा करने लगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 11:13 में जो भूकंप है ये उस आने वाले भूकंप का प्रतीक है।
कि एक बड़ा भूकंप आया और उसका दसवां अंश जो है उस नगर का गिर गया। ये आने वाले, इस आने वाले भूकंप का प्रतीक है वो, कि कितना बड़ा भूकंप जो है वो आने वाला है। क्योंकि जैसे जैसे दुनिया अंत की ओर बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मुसीबतें, विपत्तियां और परेशानी जो है वो बहुत हाई लेवल की, बहुत ज्यादा जो है वो आएंगी। और परमेश्वर का वचन ये जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कैसी कैसी विपत्तियां आएंगी। और जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है वो बचेंगे। मगर मैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं फिर बताऊंगा कि परमेश्वर की जो है, हम किसी विपत्ति या मुसीबत से डर कर परमेश्वर की आराधना ना करें, बल्कि कैसे करें। प्रकाशित वाक्य 14 का 7 पद पढ़ रहा हूं मैं। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और समुन्द्र और जल के सोते बनाए। किसी विपत्ति, किसी मुसीबत, किसी परेशानी, किसी जाति, किसी लोगों से डर के परमेश्वर की महिमा मत करो, बल्कि परमेश्वर से डरो बस। जब हम परमेश्वर से डरकर परमेश्वर की महिमा करते हैं तो वो सही माने में वो महिमा होती है और उस पर ब्लेसिंग्स होती है, और परमेश्वर जो है वो ब्लेसिंग देता है। और यही परमेश्वर की सच्ची आराधना है जो परमेश्वर से डर कर की जाती है, किन्हीं और चीजों से डर कर नहीं। और प्रकाशित वाक्य 11:14 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तीन भयंकर विपत्तियों के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, और यहां प्रकाशित वाक्य 11:14 में लिखा है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी है, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। अब जो है, इसलिए हम सावधान हो जाएं। अभी तो ये विपत्तियां हैं, अभी और भयंकर विपत्ति जो है, तीसरी और विपत्ति आएगी, और फिर तीसरी विपत्ति के बाद जो है और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जो घटित होंगी, जो घटनाएं घटित होंगी, जो विपत्तियां इस पृथ्वी पर आएंगी, वो भी सुनने के लिए तैयार रहिए। मगर उन विपत्तियों से बचने के लिए भी अपने आप को तैयार करें, और वो तैयारी है अपने आप को पवित्र बनाएं, परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का भय माने, बुराई से दूर रहें, पाप हमारे जीवन में दिखाई ना दे, तब हम इन सब चीजों से सुरक्षित रहेंगे। प्रभु हमें सुरक्षित करेगा और अपने राज में प्रवेश करने का मौका हमें देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।